हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार सूर्य टूरिज्म टिप्स में आपका स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें और साथ ही साथियों मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। बात करेंगे साथियों आज सिंगापुर स्टडी वीजा की, हाउ टू गो सिंगापुर, हाउ टू अप्लाई स्टडी वीजा, सिंगापुर स्टडी वीजा कैसे अप्लाई करें, कैसे जाएँ, वहाँ पर जॉब कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या हम सिंगापुर स्टडी करके किसी अगली कंट्री में मूव हो सकते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा साथियों। सबसे पहले बात करेंगे साथियों कि मैंने सिंगापुर स्टडी वीजा के बारे में लास्ट टाइम भी मैंने अपना एक वीडियो बनाया था कि 6+6 और 12+6 स्टडी वीजा क्या है, उसका आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला साथियों, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो बात करते हैं साथियों कि 6+6 क्या है। साथियों 6+ और 6+ का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। 6 मंथ वहाँ पे स्टडी रहेगी, 2 घंटे कॉलेज होता है और 6 मंथ वहाँ पे जॉब रहती है आपकी, OJT जिसको बोलते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग। वो 6 मंथ आपको MOM वहाँ की गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है कॉलेज की तरफ से, वो आपकी एक प्रकार से ट्रेनिंग होती है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं जो साथियों देखो, जो बंदा आगे मूव होना चाहता है, सिंगापुर में सेटल होना चाहता है, वहाँ जॉब करना चाहता है, तो साथियों डायरेक्ट जॉब थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, लेकिन अगर आपकी ग्रेजुएशन है वो सब है तो इजीली वे में हो जाती है। लेकिन अगर आप वहाँ पे स्टडी करते हैं तो आप आगे स्कोप के लिए आपके लिए मच बेटर है। कुछ लोगों का सपना होता है कि स्टडी बीच में है, गैप कवर करना है, तो उसके लिए भी वो बेस्ट है। अगर आपको सिंगापुर में स्टडी करते करते किसी दूसरी कंट्री में मूव होना है आगे बड़ी कंट्री में, तो वो भी आपके लिए ईजी वे में हो जाता है। अब बात करते हैं साथियों कि इसके अंदर फीस का क्या कॉस्ट आती है। साथियों मैंने आज जो वीडियो बनाया वो इसी पर्पज से बनाया था कि मेरे पास सिंगापुर से बहुत सारे कॉलेजेस से मेरे पास ऑफर आया हुआ है, बहुत ही चीप रेट में, लो प्राइस में आपका 6+6 स्टडी वीजा हो जाएगा। इससे रिगार्डिंग आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वीडियो की स्क्रीन पर मेरे नंबर रहेंगे। अब बात कर रहे हैं कि साथियों वहाँ पे जॉब का क्या है कॉलेज दौरान। वैसे तो साथियों जॉब वहाँ पे ईजी मिल जाती है, पार्ट टाइम जॉब, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक वे में गलत भी है जॉब करना, लेकिन वहाँ पे हर एक इंडियन स्टूडेंट जॉब भी करता है, वहाँ की गवर्नमेंट्स को भी पता है, क्योंकि वहाँ पे एक हिसाब से स्टूडेंट होते हैं वो चीप रेट में वर्कर, जो सस्ती रेट में वर्कर होते हैं वो स्टूडेंट मिल जाते हैं, तो वहाँ पे आप इजी वे में जॉब कर सकते हो। साथियों जो मेरे पास अभी 6+6 में ऑफर आए हुए हैं उस दौरान आपके 6 मंथ की जो स्टडी रहेगी वो पैसा आप अपने 6 मंथ में कवर कर लोगे, और जो 6 मंथ आपकी जॉब रहेगी उसमें आप अपना सेविंग कर सकते हो। हायर आगे आप सिंगापुर में हायर स्टडी भी कर सकते हो, दूसरी कंट्री में मूव होना है तो भी आप वहाँ पर मूव हो सकते हो। अब बात करें साथियों अप्लाई कैसे करें। अप्लाई तो साथियों आप डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, डायरेक्ट कॉलेज में कर सकते हो या हमारे थ्रू भी आप अप्लाई करवा सकते हो, लेकिन मेरे थ्रू अगर आप अप्लाई करवाते हो तो मेरे पास बहुत ही जो शानदार है सिंगापुर कॉलेज से मेरे पास ऑफर्स आए हुए हैं, तो आप मेरे थ्रू भी अप्लाई करवा सकते हो साथियों बेहतरीन ऑफर के साथ। अगर आपको चीप रेट में ये मैं वीज़ा अवेलेबल करवा दूंगा। अगर सिंगापुर से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी वीज़ा से रिलेटेड तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और वीडियो की स्क्रीन पे मेरे नंबर रहेंगे। और सिंगापुर से रिलेटेड या किसी भी कंट्री से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो की स्क्रीन पे मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथियों सिंगापुर मैं बता दूं आपको, सिंगापुर एशिया की है, वो बहुत ही प्यारी कंट्री है। वहाँ पर जो स्टूडेंट का रहने का तरीका है वो भी बहुत अच्छा है। वहाँ पे सिख टेम्पल्स जो गुरुद्वारे हैं वो भी बहुत सारे हैं वहाँ पे, इजीली वे में आप वहाँ पे फूड मिलता है गुरुद्वारों के अंदर, आप वहाँ पे खा सकते हो। वैसे भी वहाँ पे आप जो फ्लैट्स होते हैं वहाँ पे आप कुकिंग कर सकते हो, बना सकते हो, खा सकते हो, और मोस्टली जो स्टूडेंट जाते हैं वो वहाँ पे जॉब्स के रिगार्डिंग मतलब करते हैं, तो वहाँ पे भी उनको खाना मिल जाता है। तो सिंगापुर की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत है साथियों, और सबसे मेन बात ये है कि साथियों सिंगापुर से इजी वे में आप किसी अच्छी कंट्री में मूव हो जाते हो, वहाँ आपको दिक्कत नहीं आती है। सिंगापुर से रिलेटेड या दुनिया के किसी भी कोने का वीज़ा से रिलेटेड, टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा से रिलेटेड मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।